एक सेल्फी लेने पहले तेरे में
अब जरा इसको अपने कलवा मामा के साथ फेसबुक पे डाल दूं जरा, है ये डल गए। दिखाई दिया, अरे दिखाई दिया, दिखाई दिया, नहीं दिखाई दिया होगा क्योंकि तुम सब वीडियो बनाने में जो व्यस्त थे, फोटो लेने में जो व्यस्त थे, कहां गई संवेदनाएं, कहां गई हमारी संस्कृति? क्या ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है कि एक व्यक्ति, असहाय व्यक्ति गिर जाता है लेकिन उसकी मदद को कोई आगे नहीं आता है? लेकिन एक दिन तुम सबको पता चलेगा जब तुम्हारा कोई अपना ऐसे ही किसी हादसे का शिकार होगा और उसकी मदद को भी कोई आगे नहीं आएगा, कोई आगे ही नहीं आएगा। अरे घायल व्यक्ति है, कोई एम्बुलेंस को बुला लो। यार ग्रुप में डाल तो देती ना। क्या करती थी जिम्मे एक इंसान हूँ, ऐसे व्यक्ति को मार दिया जाता है, क्या हम सब में संवेदना है? अगर संवेदना होती तो शायद उस व्यक्ति को मरने से बचाया जा सकता था। शर्म आनी चाहिए हम सब लोग, एक व्यक्ति हमारे सामने छिपटाता रहता है और उसकी मदद करने के बजाय सोशल मीडिया की मच्छर रेस में आगे बढ़ने के लिए हमारा काम और नैतिकता को ही भूल जाते हैं। मानवता की ये सबसे बड़ी त्रासदी है कि असहाय और अधमरे व्यक्ति को देखकर जल्द से जल्द कैमरा ऑन करके वीडियो बनाने के लिए वो नजरे सारे हाथ खड़े हो जाते हैं। लेकिन हाय, इस सोशल मीडिया की लाचारी, उस व्यक्ति की मदद के लिए कोई नहीं आता। मैं तो मर गया, लेकिन अब आप सबका क्या होगा? आप सबका क्या होगा? चलो यूज करके चोरी होने की घटना कितनी बढ़ गई है ना? अरे हाँ यार, आज तो मेरे घर के पास भी यही घटना हुई है। हाँ यार, पता है हमारे घर के पास भी यही घटना हुई। अगर किसी को भी किसी व्यक्ति पे शक हो तो जरूर रिपोर्ट करा देना। यार पुलिस क्यों कुछ नहीं करती? छोड़ो ना यार, बच्चा चोरी। हाँ कौन हंसाइए? अरे बाहर निकाल उसको, भागो भागो। ये बच्चा बच्चा क्या है? ये बच्चा बच्चा, ये बच्चा बच्चा क्या है? ये बच्चा बच्चा। अरे ऐसा नहीं है, अबे तू छुप रहा है ना? अरे क्या नाम है इसका, कौन बोल रहा है ये? एक बात याद रखो, वो हमारा एक मारेंगे तो हम उनके दो मारेंगे। अरे सही कहा है उसने, खतरे में है। जरा संभल कर, आपका एक गलत व्हाट्सएप फॉरवर्ड किसी की जान ले सकता है। पूरे देश में पिछले 3 सालों में लगभग 50 से ज्यादा बैगनाओं की हत्या भीड़ द्वारा कर दी जाती है और बात यही खत्म नहीं होती है। अभी आपने देखा कि कैसे एक मीडिया कर्मी की गलत रिपोर्टिंग के कारण हम सब ने अपने आप से सौहार्द ही खत्म कर दी है। अरे भाई साहब, धर्म तक को खतरे में बता दिया है, लेकिन ये गलत है। हमें संयम से काम लेना चाहिए और साथ ही ये जिम्मेदार भी लेना चाहिए कि तू तो बात ही ना कर, तूने तो मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट ना एक्सेप्ट की। साथ साथ होकर भी अकेले अकेले हैं हम सब,
क्योंकि सोशल मीडिया ने एक दूसरे के प्रति भावनात्मक जिम्मेदारी को खत्म कर दिया है। माने सोशल मीडिया ने रिश्तों को एक आयाम देता है, लेकिन जब ये उन रिश्तों का विकल्प बनने लगे तो समझ लेना आप बहुत कुछ खोते जा रहे हो, आप बहुत कुछ खोते जा रहे हो। आज तो लाइक्स और कमेंट्स की बारिश हो जाएगी, बारिश। अच्छा बताओ ये वाली पिक कैसी है? ये तो अच्छी और बेजोर। अच्छा ये वाली? ये भी अच्छी है। वो वाली भेजो, वो वाली। वो वाली? अच्छा वो वाली। अच्छा मुझे भेज दी। अच्छा मुझे तुमसे वो वाला फेवर चाहिए। फेवर? धोखा, धोखा हुआ मेरे साथ। क्या करूँ अब मैं? मम्मी, मम्मी, मम्मी नाम सुना। बेटा अभी मैं बिजी हूँ। पापा, पापा। अरे तेरी मौसी ऑनलाइन है, रुक जा जरा। ऑनलाइन के जमाने में मैडम ऑफलाइन बनी घूम रही है। अरे FIR तो ट्विटर पे भी दर्ज हो जाती है। कोई नहीं है मेरा यहाँ, मैं जीना मुझे ऐसे समाज में जहाँ पर परेशानियाँ भी वर्चुअल और उनके समाधान भी वर्चुअल। छोटे बड़े हर उम्र के इंसान के लिए सोशल मीडिया उनकी जिंदगी का एक अनमोल हिस्सा बन चुका है, लेकिन यही दूर बैठे लोगों से कम्युनिकेट करने का माध्यम सुसाइड को भी बढ़ावा देने में पीछे नहीं है। कैसे एक लड़की जिसे सांप की जरूरत थी, लेकिन सबको सोशल मीडिया जरूरी था, सोशल मीडिया जरूरी था। यही तो चाहता हूँ मैं, यही तो चाहता हूँ कि तुम्हारे आपस में संबंध अच्छे ना हो, तुम सामाजिक ना हो कर असामाजिक तक बैठी हो। इंसान का इंसान पर, राष्ट्र का विश्वास पर, घोर पापी काल में डूबती इंसानियत, जिस्म के टकराव से, खून के बहाव से, भाई भाई से लड़ी यह टूटती इंसानियत, बाप के पाप से, बहन के संताप से, दर बदर बिखरी पड़ी इंसान की इंसानियत, पेड़ पर लटकी पड़ी, चौराहे पर पटकी पड़ी, काल के कपाल पर चटकी पड़ी इंसानियत। हम सबकी है कामना।